तमिलनाडु में अब शशिकला का युग शुरू हो रहा है। AIADMK पार्टी ही नहीं, अब तमिलनाडु की सत्ता भी वीके शशिकला के नाम लिखी जा चुकी है। Everybody stood together and all of us want Chinnamma to become the chief minister. We need a strong leader for our state and the only person who can fill Amma's shoes is Chinnamma. जिस शशिकला का तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता के 3 दशकों से ज्यादा का साथ रहा था, वो अब तमिलनाडु की नई पावर सेंटर बन गई है। जयललिता की मौत के सिर्फ 2 महीने में शशिकला को वही रुतबा मिला है जो कभी जयललिता को था। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। संडे की सबसे बड़ी स्टोरी में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे बड़ी स्टोरी, अम्मा के बाद अब चिन्नम्मा राज। तमिलनाडु में अब चिन्नम्मा यानी छोटी अम्मा का राज आ गया है। जयललिता की दोस्त रही वी के शशिकला ही अब तमिलनाडु की अगली मुख्यमंत्री होंगी। शशिकला पहले ही AIADMK की महासचिव बन चुकी है, यानी शशिकला अब उन दोनों कुर्सियों पर बैठ रही है जिस पर अपनी मौत के पहले तक जयललिता बैठी थी। शशिकला को आज AIADMK पार्टी की विधायक दल का नेता चुन लिया गया। खुद मुख्यमंत्री ओ पनीर सेल्वम ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। एक महीने पहले जब वीके शशिकला को AIADMK की कमान मिली थी, ये तभी तय हो गया था कि वीके शशिकला के रूप में नई जयललिता अब तमिलनाडु को मिलने वाली हैं। पार्टी ही नहीं, अब तमिलनाडु की सरकार भी जयललिता की दोस्त रही शशिकला ही चलाएंगी। 3 दशक पहले जयललिता को राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन शशिकला के लिए जैसे सत्ता की रेड कार्पेट बिछ गई है। AIADMK विधायक दल की बैठक में शशिकला को विधायक दल का नेता बनाने का प्रस्ताव जयललिता की मौत के बाद सीएम बने ओ पनीर सेल्वम ने ही रखा। खुद शशिकला के मुताबिक, पनीर सेल्वम ने ही सबसे पहले मुझे मुख्यमंत्री बनने और पार्टी महासचिव बनने के लिए राजी किया। जब जयललिता बीमार थी तब भी शशिकला AIADMK के अंदर दखल थी। उसके मरने के बाद शशिकला को चुनौती देने वाला कोई भी नहीं रहा। 31 दिसंबर को शशिकला को पार्टी जनरल सेक्रेटरी माना गया और अभी 5 फरवरी को शशिकला के लिए सत्ता का दरवाजा भी खोल दिया गया। शशिकला को जब तमिलनाडु की सत्ता हासिल हो रही है तो वो जयललिता के ही कामों को आगे बढ़ाने की बात कर रही हैं। वो उसी करिश्मे को खुद के भीतर पैदा करना चाहती हैं जो जयललिता को हासिल थी। She will go the same way, she will conduct the same way what Amma did. So everything will be according to Amma's guidance and so Amma will be a guiding spirit and she will guide it and Chinnamma will lead the country in a very same way, the typical way what Amma did. The only person who can do that is Chinnamma because she has been with Amma for 33 long years and she's observed government, governance and also the party dynamics. So we need a strong leader for our state and the only person who can fill Amma's shoes is Chinnamma. Shashikala, Jayalalitha ke naam par siyasat karengi. Lekin ab, sirf Shashikala yug hoga. Iske sanket pehle hi aa chuke hain. Jayalalitha ke samay CMO mein rahe 3 powerful bureaucrats ko ab CMO se hata diya gaya hai. Jisme poorv mukhya sachiv, Sheela Balakrishnan bhi hain. जयललिता की बीमारी के वक्त बालाकृष्णन ने ही तमिलनाडु का प्रशासन संभाला था। शशिकला ने 3 फरवरी को ही कुछ पूर्व मंत्रियों और एक मेयर समेत वरिष्ठ नेताओं को पार्टी में अहम पदों पर बैठाया है। जाहिर है कि अब शशिकला में ही AIADMK के नेताओं को जयललिता का अक्स देखना होगा। निश्चिता के साथ रमेश, जी मीडिया, चेन्नई। शशिकला AIADMK की सदस्य पहले से ही थी, लेकिन सिर्फ जयललिता के साए के तौर। जनता के बीच वो चुनी नहीं गई। एक माने में कहे तो उन्हें तमिलनाडु की सत्ता सियासी पैराट्रूपिंग से मिली है। अब सवाल ये है कि क्या वीके शशिकला जयललिता की इमेज के आगे खुद के लिए मुकाम बना सकेंगे? जो अंदाज जयललिता का था वही अंदाज वीके शशिकला का है। जयललिता के हाथों में सिर्फ तमिलनाडु की सत्ता और AIADMK की कमान ही नहीं थी,
उनके पास वो ताकत और करिश्मा था कि AIADM के किसान सब विधायक और नेता उनके कदमों में बिछ जाते थे। पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर एक लाइन में खड़े इन AIADM के नेताओं की ये तस्वीर भी बताती है कि शशिकला को अब जयललिता जैसी ताकत हासिल हो रही है। शशिकला को तो बस जयललिता जैसा करिश्मा हासिल करना बाकी रह गया है। तमिलनाडु में शशिकला एक ऐसी टाइम उभरी जब एक सूनापन सा छा गया था। जयललिता के बाद शशिकला एक सुप्रीम लीडर बन गई है। बीमार करुणानिधि भी उसे चुनौती नहीं दे पा रहा है और उसका उत्तराधिकारी M.K. स्टालिन ने अभी तक अपने आप को साबित नहीं किया है। हालांकि शशिकला को सबसे पहली चुनौती DMK के कार्यकारी अध्यक्ष स्टालिन की ओर से ही मिल रही है। स्टालिन ने कहा है कि तमिलनाडु की जनता ने जयललिता के घर से किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट नहीं दिया था। मैडम शशिकला नटराजन हैव नो क्वालिटी एट ऑल टू बी चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, सो इट इज प्योरली एन इमरजेंसी सिचुएशन एट तमिलनाडु बिकॉज she has not done anything to the party. She has not worked for the party. My youth, Tamil Nadu youth will not allow her. My people, Tamil Nadu people will not allow her. लेकिन शशिकला अभिमानो DMK पर जयललिता की तरह पलटवार का हुनर रखती है। AIADM के विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद शशिकला ने कहा है कि इस घटनाक्रम से हमारे सियासी विरोधियों की उम्मीदें बिखर गई हैं। उन्होंने सोचा था कि अम्मा की मौत के बाद पार्टी में टूट हो जाएगी। साथ ही शशिकला ने यह संकेत भी दिए कि जयललिता की तरह उन्हें भी पनीर सेल्वम पर पूरा भरोसा है। शशिकला ने कहा कि जब भी पार्टी मुश्किल वक्त से गुजरी, जब भी अम्मा के मुख्यमंत्री बने रहने में रुकावट आई, हमारे प्यारे भाई पनीर सेल्वम वफादार बने रहे। शशिकला को जयललिता जैसा कद हासिल करने का पूरा मौका मिल गया है, लेकिन अभी 62 साल की शशिकला को खुद को साबित भी करना है। जयललिता बार बार राजनीति में मुश्किलों की आंधी में घिरी हुई थी, लेकिन हर बार वो उससे जीत कर बाहर आई। शशिकला को एक विरासत मिली है, लेकिन क्या इस विरासत को संभालना इतना आसान होगा? रमेश के साथ निश्चिता, जी मीडिया चेन्नई। थोड़ा पीछे ले चलते हैं। वीके शशिकला ने जयललिता की उस वक्त मदद की, बड़ी मदद की, जब वो राजनीति में अकेली थी, और यही दोनों के बीच बेहद खास दोस्ती की वजह भी बनी। क्या शशिकला जयललिता के अपने 35 साल के साथ से मिले अनुभव को राजनीति में दोहरा पाएंगे? चेन्नई में एक व्यक्ति पिटता दिख रहा है, और वीडियो में दिख रहा पीटने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, तमिलनाडु के मंत्री राजेंद्र बालाजी है। दावा किया जा रहा है कि पिटने वाले व्यक्ति ने शशिकला का पोस्टर फाड़ा था। सवाल यह है कि अगर यह आरोप सच भी हो तो भी उसकी पिटाई का हक कैसे मिला? सवाल ये उठता है कि क्या शशिकला युग में राजनीति की यही संस्कृति दिखेगी, या सिर्फ ये एक अफसोसनाक वाकया था जो दोहराया नहीं जाएगा? शशिकला ने जिस जयललिता की विरासत संभाली है, उन्हें तमिलनाडु की अम्मा का रुतबा हासिल था। चिन्नम्मा यानी छोटी अम्मा कही जाने वाली शशिकला को उस राजनीति को दोबारा जीना होगा जिसे जयललिता ने जिया था। शशिकला 3 दशक से भी ज्यादा वक्त तक जयललिता की बेहद करीबी रही। शशिकला ने जरूर जयललिता की राजनीति की बारीकियों को सीखा भी होगा। 1982 में जब जयललिता ने राजनीति में एंट्री की थी, तब शशिकला के पति R. नटराजन राज्य सरकार के PRO थे, जबकि शशिकला एक वीडियो पार्लर चलाती थी और शादी जैसे निजी आयोजनों में वीडियो शूट कराती थी। उसी दौरान कुडलूर की DM V.S. चंद्रलेखा ने जयललिता और शशिकला की मुलाकात कराई। AIADM के संस्थापक M.G. रामचंद्रन की मौत के बाद जयललिता जब AIADM में बिल्कुल अलग थलग थी, तो शशिकला का समर्थन ही था जिसने जयललिता को राजनीति में खुद का मुकाम बनाने का साहस दिया, और अब शशिकला को खुद के लिए वही साहस बटोरना होगा। वैसे जयललिता से शशिकला की दोस्ती के बीच शशिकला ने कई बार सियासी और निजी साहस जरूर दिखाया है। सन 1989 में शशिकला चेन्नई में जयललिता के आलीशान पॉयस गार्डन वाले घर में साथ आकर रहने लगी थी। शशिकला आई तो उनकी बहन, बहनोई, बच्चे और 40 नौकर भी जयललिता के घर आ गए।
दोस्ती उनकी इतनी गाढ़ी हो गई कि जयललिता ने शशिकला के भतीजे वी सुधाकरन को गोद ले लिया। 1995 का वो दौर ऐसा था कि शशिकला को चिन्नम्मा यानी छोटी माँ का दर्जा दिया जाने लगा। 1995 में शशिकला के भतीजे सुधाकरन की शादी ही थी जिसने जयललिता को एकदम से सुर्खियों में ला दिया। इस शादी में जयललिता ने 1.5 लाख लोगों को बुलाया और तब के लिहाज से बेहद बड़ी रकम 6 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इस शादी के बाद जयललिता पर पड़ी आयकर विभाग की नजर के चलते जयललिता ने सुधाकरन से दूरी तक बना ली। 1996 में जयललिता ने शशिकला और उनके परिवार को खुद से अलग कर दिया। शशिकला के लिए दौर इसलिए भी मुश्किल भरा रहा क्योंकि भ्रष्टाचार के एक मामले में शशिकला 1996 में गिरफ्तार भी कर ली गई। लेकिन जेल से निकलने के बाद शशिकला दोबारा जयललिता का भरोसा जीतने में कामयाब हुई। जयललिता और शशिकला की दोस्ती को लेकर 2000 के दशक में कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन 2011 में जब जयललिता राज्य की मुख्यमंत्री थी तब अचानक दोस्ती में दरार दिखी और शशिकला और उनके पति को AIADMK की सदस्यता से बेदखल कर दिया गया। बताया जाता है कि जयललिता शशिकला की पार्टी में बढ़ती दखल से नाराज थी, लेकिन 2012 में शशिकला दोबारा जयललिता के साथ थी। AIADMK में उनकी फिर से एंट्री हुई। जयललिता का भरोसा जीतने के लिए शशिकला ने अपने परिवार के बाकी सदस्यों से नाता तक तोड़ दिया था। जयललिता का भरोसा जीतने के लिए शशिकला ने हर बार खुद को साबित किया, लेकिन अब जनता का भरोसा जीतने के लिए शशिकला को खुद को साबित करना होगा। रमेश के साथ निश्चिता, जी मीडिया, चेन्नई। अम्मा के आखिरी वक्त में चिन्नम्मा यानी शशिकला ही उनके बहुत करीब रही। बहुत टाइम से करीब तो थी, लेकिन अब एक्टिव पॉलिटिक्स की शुरुआत में AIADMK में कितने लोग इनके साथ रहते हैं ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि एक धड़ा ऐसा है जो ये कहने लगा है कि हमें चिन्नम्मा स्वीकार नहीं है।